न्यूज एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं श्याम मिर्जा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भरोसा है कि भारत को कोविड-19 का टीका जितनी जल्दी संभव है मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हम महामारी को नियंत्रित कर लेंगे और आर्थिक युद्ध में जीत हासिल करेंगे। खास बात यह है कि नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं MSME मिनिस्टर है। रोड और हाईवे व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन भरोसा है कि कोविड का टीका आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि मोटा भाई इसे कब जुमला करार देते हैं। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, बुलेट ट्रेन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 100 स्मार्ट सिटी के बाद अब आ गया है फ्री कोरोना वैक्सीन। और कितनी मदद चाहिए तुम्हें मोदी सरकार से? वैक्सीन सभी को फ्री मिलेगा, मोदी जी कह दिए हैं। सबको वैक्सीन फ्री देंगे, लेकिन इसके लिए देश की जनता को 2-4 राज्यों में इलेक्शन का इंतजार करना होगा, क्योंकि घोषणा तो वहीं से होंगी ना। वैक्सीन मिले ना मिले, वैक्सीन किसे चाहिए भैया? सभी को बस क्रेडिट चाहिए। मास्क फ्री नहीं, जांच फ्री नहीं, लेकिन उम्मीद है कि कोरोना का वैक्सीन फ्री मिल जाएगा। इसलिए धक्का मुक्की ना करें, सरकार खुद एक एक को पकड़ पकड़ कर टीका लगाने वाली है। जब वैक्सीन आएंगी 3-4 हफ्तों में सभी को मिलेंगी। बिहार वालों को सबसे पहले वैक्सीन मिलेंगी, उसके बाद नौकरी मिलेंगी, उसके बाद बिहार का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि कुछ राजनीतिक दल वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। बताइए, ऐसा खराब पीएम देखा है कहीं जो खुद की पार्टी पर ऐसा सीधा हमला करे? बिहार में भाजपा बोली थी टीका देंगे अगर जीते तो, आज डांट दिया। ऐसे ही नहीं, हमारे मोदी जी एक ही दिल को 1000 बार जीत लेते हैं। बिहार में चुनाव था तो वहां मुफ्त वैक्सीन का वादा किया। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी फ्री वैक्सीन का वादा किया। 2 महीने बाद ये वैक्सीन बंगाल में दी जाएंगी। जैसे पूरे भारत में 15 लाख रुपए दिए गए थे, यूपी वालों को देसी घी दिया गया था, बिहार वालों को फ्री वैक्सीन दिया गया था। अब देखना यह है कि बंगाल वालों को क्या मिलता है। वैक्सीन कब आएंगी पता नहीं। विपक्ष आवाज उठाए तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में फ्री वैक्सीन बिहार और हैदराबाद वासियों को मिलेगा, ये राजनीति नहीं है। फिलहाल वैक्सीन बनकर आई नहीं, लेकिन देश और दुनिया भर में वैक्सीन ट्रायल अपने आखिरी चरण में है। माना जा रहा है कि साल 2021 की शुरुआत तक कोई प्रभावी टीका जरूर आ चुका होगा। हालांकि इतनी बड़ी आबादी को एक साथ टीका देना संभव नहीं है, इसलिए मोदी जी ने रणनीति बनाई है कि जहां इलेक्शन होंगे पहले वहां टीका मिलेगा, इसके बाद सभी को मिलेगा। महाराष्ट्र वाले शांति बनाए रखें, आपका नंबर 4 साल बाद आएगा। केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिए हैं कि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट से निपटने के लिए तैयार रहे। यानी वैक्सीन का सारा श्रेय मोदी सरकार लेंगी, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट होगा तो इससे राज्य सरकार निपटे। वाह मोदी जी वाह, एक ही तो दिल है हमारे पास। एक आखिरी बात, मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूँ कि जब वैक्सीन आ जाए तो सबसे पहले मीडिया वालों को दिए जाए, क्योंकि मीडिया वाले भले ही शारीरिक कोरोना से मरीज ना हो, लेकिन मानसिक मरीज तो है। कोरोना के चलते मीडिया को TRP के अलावा और कुछ नहीं दिखता।